मेरे लास्ट लेसन में मैंने आपको स्केचिंग के बारे में बताया था और कुछ लेसन्स मैंने आपको शेडिंग डिफरेंट शेप्स में बताई थी, और मैंने आप सबको कहा था कि आपने एक एक बॉटल लेकर उसका स्केच करना है और उसके बाद मुझे उसकी पिक्चर्स दिखानी है। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने किया भी उसको फॉलो। अब मैं आपको मेजरमेंट्स के बारे में भी बता चुकी हूँ। अब जो मेरा सेकेंड स्टेप है वो है शेडिंग। तो आज मैं आपको बॉटल में शेडिंग करना सिखाऊंगी। तो मैंने अपनी नॉर्मल पेंसिल्स ही ली हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं, HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 3B, 4B, 6B एंड 9B एंड चारकोल, चाइनीज वाइट पेंसिल रेजर। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा स्केच ले लिया है बिकॉज जैसे मेजरमेंट को फॉलो करते हुए जो मैंने मेजरमेंट्स आपको बताई हैं उसी को आप फॉलो करें। HB पेंसिल से मैंने इसकी मेजरमेंट्स ली और 2B पेंसिल से मैंने इसकी स्केचिंग की, ठीक है। उसके बाद अब मैं अपनी शेडिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने अपना शेडिंग स्टाइल सेलेक्ट करना है, वो स्मजिंग है या स्कम्बलिंग है या क्रॉसिंग है या डॉट्स वाला है। ये आपको फर्स्ट लेसन में मैंने बता दिया था। तो आप अपना स्केचिंग स्टाइल, सॉरी शेडिंग स्टाइल सबसे पहले सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक बॉटल की शेडिंग करने के बारे में बताऊंगी, ठीक है। हम इसको स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो जब आप ऊपर की शेडिंग करेंगे तो आपका हाथ उसके ऊपर लगेगा और वो शेड डिफरेंट जगह पे उसके स्पॉट्स लग जाएंगे या वो फैल जाएगा आपकी हाथ की वजह से। सो बेहतर यही है, जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप अपनी शेडिंग स्टार्ट से स्टार्ट करें, लाइक उसके ऊपर वाले एरिया से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अपनी लाइट पेंसिल ले रही हूँ, 2B पेंसिल, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। ये हमारा टॉप जो है बॉटल का टॉप है, लाइट सोर्स इस तरफ से है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरफ से आ रही है लाइट। शेडिंग देखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी आंखें जो हैं वो ब्लर करनी है, पूरी बंद नहीं करनी है, थोड़ी छोटी करनी है ताकि आप इजीली शेड्स को देख सकें। ये हमारा टॉप है और इस साइड से लाइट आ रही है, ठीक है। अब हम अपने सारे स्टॉक को थोड़ा सा लाइट करने के लिए बिल्कुल लाइटली रेज़र से रेज़ करेंगे। मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इसलिए, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ही लाइट रेज़र से रेज़ कीजिएगा। ये ना हो गया आपसे स्केच रेज हो जाए और आप कहें कि भाई हमने तो आपके कहने पे रेज़ किया और वो स्केच ही रेज हो गया और कैसे स्केच करें। एनीवे लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली जब लाइट इस तरफ से आ रही है तो स्टार्ट हमारा शेडो का इस तरफ से होगा। आपने डायरेक्ट जो है वो डार्क स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं, पहले लाइट स्ट्रोक्स लगाने हैं बिकॉज हमें 3D इफेक्ट चाहिए थोड़ा सा। ये स्केचिंग आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं इस शेडिंग की भी नॉर्मल बुक पे, ठीक है, नॉर्मल जो आपकी कॉपी है। बट जब आपको इसको जो फाइनल स्केच करना है, फाइनल शेडिंग करनी है, वो आपको स्केचिंग बुक पे ही करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई हुई है। मैंने स्टार्ट में इस बॉटल की पिक्चर दे दी हुई है, अगर आप उसमें गौर से देखें तो ये ट्रांसपेरेंट कैप है और उसके अंदर उसका ये पुश बटन है, तो उसके लिहाज से मैं इसको स्केच कर रही हूँ। अब जब आपने ये स्केच कर दिया, इसकी शेडिंग कर दी, तो आपको इस वाला एरिया और इस वाले एरिया में एक डिफरेंस नज़र आना चाहिए, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा लाइट ही करेंगे और इसमें लाइट सा बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ देंगे, लाइट एरिया जहाँ से पता चले कि ये दोनों जो हिस्से हैं डिफरेंट हैं, ठीक है। ये अभी मैंने अपनी 2B पेंसिल ही यूज़ की है स्टार्टिंग शेडिंग के लिए, सेम एज हियर। अब लाइट सोर्स इस तरफ से है लेकिन वो हमारे टॉप के ऊपर है। इधर हम थोड़ी सी इसकी शेडिंग इसलिए करेंगे क्योंकि कैप में और उसकी इनर शेप में डिफरेंस नज़र आएगा।
इसलिए ये कैप का टॉप है, तो इसके इनसाइड जो है उसका डिफरेंस दिखाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे हिस्से को काला ही करना है या शेडो बनाने हैं या शेडिंग करनी है तो सबको ही आपने शेड करना है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपनी शेडिंग उस अपनी शेप के मुताबिक भी कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली और क्लियरली सारे स्टॉक्स समझ में आए और नज़र भी आए। जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अपने हाथ से, कॉटन बर्ड से या सॉरी ईयरबड से या टिश्यू से इसको मर्ज भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने ईयरबड से इसको कॉटन से थोड़ा सा मर्ज किया। कोई कुछ एरियाज होते हैं जिधर हमें डार्क शेडिंग नहीं चाहिए होती है बट हमें वो शेड करना है, तो उसके लिए यही तरीका बेहतर है कि आप उसको उसकी जो पहली शेडिंग है उससे ही मर्ज कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी इनर कैप पे। अब इनर कैप जो है वो इससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो मैं अपनी 3D पेंसिल यूज करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, बस थोड़ा सा ही डार्क है, बट फील होना चाहिए कि इसके अंदर भी एक चीज़ है और एक बाहर भी चीज़ है, तो हम इसकी लाइंस को थोड़ा सा डार्क करेंगे। मेरी शेडिंग और सॉरी स्केचिंग में थोड़ा बहुत जो है वो कमी रह गई हो, क्योंकि मैंने ये बहुत जल्दी में आप लोगों के लिए स्केच बनाया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे अपना काम सेंड कर रहे थे और उनमें जो मिस्टेक्स थी मुझे उनको बताने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए कुछ सबसे पहले शेडिंग करना ज़रूरी थी। आप किसी भी एंगल में शेडिंग कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। जब आप पेंसिल को बिल्कुल पास से पकड़ेंगे ना तो आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डार्क लगेंगे, तो जब डार्क स्ट्रोक्स स्टार्ट में ही लग जाएंगे तो उनको लाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप स्टार्ट में थोड़े लाइट स्ट्रोक्स लगाएं, थोड़ा पेंसिल को दूर से पकड़ें, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब उसका जो कैप है वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा लाइट है क्योंकि वो टॉप पे है और उसके ऊपर लाइट जो है वो डायरेक्ट आ रही है, बट इसकी लाइंस को हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे ताकि इसमें फ़र्क नज़र आए। ये एरिया इस पूरी बॉटल में इस वाली साइड वाला एरिया जो है ना वो डार्क ही होगा बिकॉज लाइट इधर से आ रही है, तो ये साइड जो है ऑटोमेटिकली डार्क होगी। एड सम डार्क हियर और हियर। अगर आपके आपसे इसकी शेप में कोई कमी रह जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए पैनिक नहीं हो, या अभी एक स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा चेंज लग रहा है तो आप उसके लिए दम से ये मत कह दें कि नहीं हमसे उस तरह से नहीं बन रहा है तो मैं ये छोड़ रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करें, एटलीस्ट इसको कंप्लीट ज़रूर करें। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अब आपके पास ये ऑप्शन भी है कि मैंने आपको ये बात भी बता दी हुई थी कि जब आप कुछ भी शेड करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो आपने उस चीज़ को पहले एटलीस्ट 20 मिनट्स या जितनी भी देर आप उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो एटलीस्ट उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व ज़रूर कर लिया करें, बिकॉज़ अगर आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब मैंने उस बॉटल को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया है,
सो इसलिए मुझे ये चीज़ें बनाने में इजी हो रहा है। ये नहीं कि अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद जब शेडिंग टाइम है तो आप अपनी बॉटल को या उसको हटा दें, ऐसा नहीं है। आप उसको बेशक सामने रखें, उसको सामने रख कर काम करें। अब यहाँ पे हमने इस पे जो ये हमारा प्लास्टिक था, ठीक है, ये हमने इस पे प्लास्टिक शेडिंग की है कि ये इस साइड पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है और इन साइड पे भी प्लास्टिक ही है। अब आपको इसकी इनर साइड और ऊपर साइड जो है उसमें फर्क नज़र आ रहा होगा कि दोनों शेप्स के अंदर जो डिफरेंस है वो फील होना चाहिए। ठीक है, ये थी मेरी 3B पेंसिल जिससे मैं अभी आपको करके काम दिखा रही थी। अब हमारे पास ये जो एरिया है ये मेरी बॉटल का, ये मेटल वाला है। जैसे आप कुछ अगर आप स्टील या कुछ भी इस तरह का ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो एरिया है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं पहले लाइट से स्टार्ट करूँगी, 2B पेंसिल से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब इस एरिया को मैं बहुत ही लाइटली कवर कर रही हूँ बिकॉज़ ये मुझे बहुत लाइट और यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आ रही है तो ये मुझे लाइट शो करना है। सबसे पहले अपनी लाइन को परफेक्ट कर लें, तो अपनी लाइट लाइन की आउटलाइन कर लें ताकि आपकी शेडिंग जो है वो बाहर ना जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो गोल है, तो इसी तरह उसकी ऊपर वाली चीज़ें भी हैं वो भी गोल ही होनी चाहिए, ये नहीं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो। अब यहाँ पे मैं इसकी शेडिंग करूँगी। बिकॉज़ ये मेटल है तो ये कहीं कहीं से शाइन हो जाता है, शाइनी हो जाता है और कहीं से जो है वो डार्क शेड्स आते हैं इस पर। ऑब्वियसली इसके सामने जो चीज़ पड़ी होगी ये उसका शेडो अपने अपने ऊपर वो कॉपी करती है, तो इसमें कहीं पे डार्क्स होंगे और कहीं पे लाइट्स होंगे। जो मैं आपको पिक्चर मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखा दिया, आप अगर उसको देख के इसको फॉलो करेंगे तो ये एज इट इज़ सेम आपको समझ आ जाएगा। ये काम आप डार्क पेंसिल से भी कर सकते हैं बट अभी आप लोगों का स्टार्ट है, अगर स्टार्ट में आप लोगों से डार्क स्टॉक्स हैंडल नहीं होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी चीज़ें भी दिखाई हैं जिनकी स्टार्ट में बॉल का जो वो शेडो क्रिएट कर रहे हैं वो स्टार्ट से ही बहुत डार्क कर रहे हैं, तो इसलिए उनका शेडो जो है वो सही नहीं बन रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको लाइट शेड से स्टार्ट करें। जब आप लाइट शेडिंग से डार्क की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। ये देखिए यहाँ पे इसके अब मेटल वाली लुक आ रही है। जैसे अगर आपके साथ घर में स्टील की कोई भी चीज़ होती है, प्लेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लासेस होते हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व करें अपने सामने रख के, तो आप में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि उसके सामने जो चीज़ होगी वो उसका शेडो कॉपी कर लेती है और वो कहीं से डार्क कहीं से उसमें शाइन्स जो है हाईलाइट बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉरी, अब हमारे सेंटर में इस बॉटल के एक डिज़ाइन है। आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ से रेज करके। अगर कहीं पे आपसे शेडिंग हो गई और आप उसको लाइट करना चाह रहे हैं तो उसका बेहतर तरीका यही है। क्या आप वहाँ से रेज कर लें अपनी शेडिंग को। और राउंड शेप में ही करना है ताकि आपका जो
डिजाइन है वो भी राउंड में ही आए। अब इसको हल्का सा आउटलाइन करना है, बहुत डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा आउटलाइन करना है। बाकी की आपकी शेडिंग जो है वो वैसी की वैसी नीचे आएगी। अब आप इसको थोड़ा सा मर्ज कर लें। अपनी आउटलाइन सेट कर लें। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये हमारे पास आ गई है बॉटम टर्न डाउन एरिया। देखिए अभी भी लाइंस के स्टॉक की वजह से काफ़ी कुछ शेडिंग इधर उधर लग गई है। मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले ही आप इस साइड से स्टार्ट करें ताकि आपके लिए ये मुश्किल ना हो। मैं यहाँ पे अभी से फाइनल स्ट्रोक्स यहाँ पर ही दे रही हूँ ताकि फिर वो जाहिर सी बात है जब इधर से शेडिंग आपके हाथों के नीचे से लगेगी तो वो डिफरेंट जगह पे स्ट्रोक्स लग जाएंगे। अब मैं इसका फाइनल टच इस एरिया का बना रही हूँ। ये मेरे पास 9B पेंसिल है। स्टार्टिंग जो है एज जो है वो डार्क होगा और जैसे ही आप लाइन ख़त्म करेंगे वो लाइट होगा। मीन्स स्टार्ट पे जब आपने लाइन का स्टार्ट लेना है तो आपको आपने उसको ज़ोर से पुश करना है और जब एंड करना है तो आपने बहुत ही लाइट तरीके से करना है लाइक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चारकोल यूज कर रही हूँ। कुछ भी गलत होता है, कोई मिस्टेक होती है तो आप उसके लिए पैनिक नहीं हो। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप उसको इजीली रेज करें और एटलीस्ट इसको कंप्लीट जरूर करें। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस ही सही, एक्सपीरियंस ही सही, बट इस तरह बीच में छोड़ मत दें। अब उसके बाद मैं अपने डाउन पार्ट पे आ रही हूँ। ये 9B से जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग रह गई है अब इसके बाद बारी आ जाती है इसकी इस एरिया की। ठीक है, फिर से 2B पेंसिल पे आ रही हूँ, लाइट पेंसिल पर। आप जब बॉटल को गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ इतनी इसके ऊपर जो शाइन आ रही है बॉटल के ऊपर। आप उससे बेहतर है कि पहले लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लें। मैंने यहाँ पर बहुत ही लाइट पेंसिल से अपनी शेडोज़ जो हैं, जो शाइन है, जो हाईलाइट है वो ड्रॉ की हुई है ताकि उस एरिया पर मैं ज़्यादा स्केचिंग या ज़्यादा शेडिंग ना करूँ। फिर बाद में आपको हाईलाइट करने में इशू होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आपने ब्लैक ही करना है, या अगर शेडिंग का काम है तो आपने उसमें शेडिंग करनी ही करनी है। आप कहीं पे लाइट शेडिंग भी कर सकते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये भी इस बॉटल का ये वाला हिस्सा है, ये वाला डिफरेंस दिखाने के लिए। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बॉटल। ट्रांसपेरेंट है और इसमें शाइन भी है, तो शाइन प्लेस मैं इसकी छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पे आपने ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी, लाइट शेडिंग करनी है। तो आप जो स्टार्ट पे शेडिंग हुई है उसी को मर्ज करते हुए
उसको डाउन लेवल तक ले आए। अब इस जगह की बारी आ जाती है, तो इधर आप तुम भी पेंसिल से थोड़ा सा शेडिंग करें। मैं साथ साथ आपको पेंसिल्स के नेम भी अभी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको ये सारा कुछ फॉलो करने में, शेडिंग करने में इजी हो जाए। मेरे लिए तो ये स्टाइल बहुत अच्छा है और इजी है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जब आपको लग रहा हो कि आपकी पेंटिंग या आपकी ड्राइंग, स्केचिंग कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो आपको लग रही है कि नहीं ये अच्छी नहीं हो रही है, ये मुझसे उस तरह से बन नहीं रही है, तो आपका जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आप अपनी स्केचिंग को थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट छोड़ दें, उसको करना छोड़ दें, उसको मत करें, बार बार मत करें, और अपनी स्केचिंग या अपनी पेंटिंग को रख कर उसको दूर से देखें। हाँ, आपको पता चल जाएगा उसमें कोई मिस्टेक है या कुछ भी है तो आप इजीली उसको फॉलो कर सकेंगे। अच्छा, ये मैं यहाँ से इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये हमें ट्रांसपेरेंट बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा है, तो हम इसको अगर ज़्यादा शेड कर देंगे तो जो डाउन लेवल पे इसका वाटरी एरिया है वो स्केच करने में इशू होगा, बिकॉज़ वो हमें थोड़ा डार्क करना है। तो अगर अपर एरिया ही बहुत ज़्यादा डार्क होगा तो फिर डाउन एरिया कैसे मैनेज होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपर एरिया को लाइट ही रखें, डार्क नहीं करें। ड्यूरिंग शेडिंग आपकी कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ स्ट्रोक्स लाइन से बाहर हो जाते हैं, सो डजेंट मैटर, आप परेशान नहीं हो, आप उसको इजीली बाद में रेज कर सकते हैं। ये इस बॉटल का पाइप है, इट शुड बी द लाइट वन। ये मैं रेजर यूज कर रही हूँ। अब इसकी आउटलाइन लगानी है थोड़ी सी। ये सारा एरिया जो है वो शेडो में है, सॉरी हाईलाइट है, जिधर मैंने स्केचिंग बिल्कुल भी नहीं की है ना शेडिंग की है। बिकॉज़ ये मिरर है सॉरी ग्लास है, तो ग्लास पे शाइन ऑटोमेटिकली आती है जब आप कहीं पे भी रखें। तो आप इसकी आउटलाइन को बेटर कर लें। ये हमारा ये वाला एरिया भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो इसलिए अब मैं 9B पेंसिल से इसकी फाइनल डिटेल्स देने लगी हूँ। फाइनल डिटेल्स अगर आप साथ साथ देते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसके डाउन एरिया पे भी शेडिंग साथ ही कर देंगे तो फिर जब डिटेल देने लगेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पर इस तरह आपके हाथ से स्टॉक लगेगा। सो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसकी फाइनल डिटेल्स भी साथ साथ ही दे दें। जी, अब ये इसका ये वाला एरिया भी रेडी है, अब हम इसके डाउन लेवल पर आ जाते हैं। वाइट अब
को थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं। जब आप अपनी स्केचिंग को दूर से रख के देखेंगे ना, तो आपको इसके डिफरेंस खुद ही नज़र आ जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करें, ये आपको आपकी स्केचिंग को, आपकी ड्राइंग को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। ये मेरे पास चारकोल है, आप कभी भी किसी चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। हाँ, अगर आप कर लें तो ये आपकी बहुत बहुत, आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो ही आप एक चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी भी अपने आप को प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं कहती हूँ, बिकॉज मैं स्टिल सीख रही हूँ। और ये चीज़ ऐसी है कि आप जितना मर्ज़ी सीख लें, उसके बाद भी ये ऐसी है कि आपने अभी तक, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इलिम कदरिया जैसे कहते हैं ना, कभी ख़त्म नहीं होता है। आप जितना मर्ज़ी सीख लें, आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि नाउ आई एम कम्प्लीट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमेशा रह जाती है और आपको सीखने को मिलती रहती है। अब हमारी ये चीज़ आ गई। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक ग्लास देखते हैं, तो जब ऊपर वाली साइड देखेंगे तो वो उसके अंदर क्लियर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं उसके, जहाँ पे जिस एरिया पे पानी है या कुछ भी है, तो वो चीज़ थोड़ी ब्लर हो जाती है और थोड़ी वाइड हो जाती है, मीन थोड़ा बड़ा दिखने लग जाता है। सो सेम एज मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, सॉरी। फिर अपनी लाइट पेंसिल पर आ जाएं, 2B पेंसिल पे। अब आपने पानी इस तरह से नहीं ड्रॉ कर देना, इसमें पानी है तो वो इस तरह सीधा नहीं, आपने ये गलत तरीका है। जब ऑब्वियसली अगर आप पानी को जब गौर से देखेंगे, तो किसी भी बॉटल के अंदर का, ग्लास के अंदर, अगर उसकी शेप गोल है ना, अगर ग्लास की, तो आपको पानी भी गोल ही ड्रॉ करना है। सेंटर में थोड़ा सा डार्क, फिर थोड़ा लाइट, और जिस शेप में चीज़ पड़ी है आपने पानी भी उसी शेप में ड्रॉ करना है। बहुत लाइट करें, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें। अब हम इसको मर्ज कर लेते हैं ईयरबड से। हम अब अपनी पेंसिल यूज़ करेंगे 4B पेंसिल। ना हमने ज़्यादा डार्क करना था, ना हमने लाइट करना था ज़्यादा, इसलिए हमने अपनी 4B पेंसिल को यूज़ किया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट दिखाना है एरिया, ये जगह में, बिकॉज ये बिल्कुल बॉटल के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे आपको बॉटल का जो ग्लास है उसकी कितनी थिकनेस है और कितनी थिननेस है वो शो करनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ऐड करनी है। अब आपके इसके बाकी का हिस्सा, यहाँ पर भी शाइन थी ठीक है, लेकिन थोड़ी छोटी थी, बहुत बड़ा हो गया था। यहाँ पर शाइन है बट थोड़ी स्मॉल लाइंस में, थोड़ी थोड़ी सी है। लेकिन जब आप नीचे एरिया पे करेंगे, जहाँ पर वाटर एरिया है, यही शेडो शेडोज जो हैं वो थोड़े से वाइड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब हम फिर अपनी 2B पेंसिल पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी हम अभी लाइट कर रहे हैं,
ये अभी हमारे लाइट स्टॉप्स हैं, डार्क नहीं, बिकॉज मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमें लाइट स्टॉप से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक पाइप की शेप नज़र आ रही है, इसके लिहाज से यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी है, बिकॉज़ वो यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। आप इस चीज़ को फॉलो भी कर सकते हैं किस तरह से, कि आप इस कोई भी बॉटल या कोई भी परफ्यूम बॉटल कुछ भी लें और उसको जब आप सामने रखेंगे तो ये डिफरेंस आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। अब मैं अपनी 6B पेंसिल ले रही हूँ, हमें अब डार्क स्ट्रोक्स लगाने हैं बट बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। आपको पानी ड्रॉ करना है तो 4B और 6B पेंसिल जो है उसके डार्क्स के लिए बेहतर है, स्टार्टिंग डार्क्स के लिए। एंड फाइनल पे तो आपके पास 9B ही आती है। अब जो है यहाँ से आपको डिफरेंस शो करना है पाइप का और जो बॉटल है उसका, मीन जो उसके अंदर परफ्यूम है उसका और पाइप का डिफरेंस शो करना है। 6B पेंसिल से मैं कर रही हूँ शेडिंग। बॉटल की जो शेप है वो उसके लिहाज से आपकी ये चीज़ जो बनेगी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। ये आपको ये भी बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कि आपकी बॉटल की शेप के लिहाज से आपकी इनर साइड जो है वो बननी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है ये, बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी नहीं होती है ये। अब आप इसको थोड़ा सा मर्ज कर लें। अब देखें इस एरिया में और इस एरिया में डिफरेंस आपको फील हो रहा है, ये एरिया लाइट है और ये डार्क है। अगेन कम टू 6B पेंसिल। एड सम स्टार्स हियर। ये भी आपको शेड करना है बिकॉज़ ये बॉटल का प्लांट हिस्सा नहीं है, इसमें भी ऑब्वियसली पानी तो यहाँ तक भी होगा, परफ्यूम है तो वो नीचे तक होगा, तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो पिक्चर्स सेंड की हैं उसमें उन्होंने ये एरिया बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर आप स्टार्ट में ये ब्लैंक कर देंगे तो आप शेडो जो हाइलाइट्स हैं वो किस तरह से शो करेंगे, सो इसलिए आपको इस एरिया को भी थोड़ा बहुत, बेशक ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शेड करने की ज़रूरत है। ओके, अब हम इसमें अपने लाइट्स ऐड करेंगे। जो हमारी लाइट्स हैं यहाँ पे जो शेडो लाइट आ रही है वो बारीक है, पतली है, ठीक है। अब जब वो शेडो लाइट यहाँ पर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली ही चौड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बिकॉज पानी में रिफ्लेक्शन जो है उसका ज़्यादा आता है।
अब आपका जो पाइप है उसका रिफ्लेक्शन भी आपने दिखाना है। यहाँ पे भी हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाएं ताकि आपकी बॉटल की शेप और उसकी शाइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं। कुछ आपको डार्क शो करानी है, कुछ आपको लाइट शो करानी है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लाइट हो। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं लाइट्स दे रही हूँ तो मैं उसी शेप में दे रही हूँ जिस शेप में बॉटल है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर डार्क दे रही हूँ और वहाँ पर लाइक स्ट्रेट और इस तरह नहीं है। आप किसी भी एंगल में पेंसिल को पकड़ सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं इसके विजुअल्स आई है वो, लेकिन अभी आप लोगों का स्टार्ट है, स्टार्ट में ही आप इन सारी चीज़ों में फंस जाएंगे तो आपके लिए फाइन आर्ट इंटरेस्टिंग होने के बजाय थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेडो जो है वो उसमें अपनी ऑपोजिट इमेज को कैप्चर कर लेता है, उसको कॉपी कर लेता है, तो जो शाइन्स होती हैं वो उसके ऑपोजिट जो शेडो आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। सो मैं यहाँ पर आपको थोड़े से कि अब ये फिर थोड़ा सा स्केचिंग पे चला गया, थोड़ा सा स्केच हो गया, तो इसलिए मैंने अपनी HB पेंसिल यूज़ की है। जो है डिफरेंस बताती हूँ कि अगर आपने विंडो के सामने या कुछ इस तरह से रखी हुई है बॉटल तो विंडो का शेडो भी आएगा बीच में, तो वो किस तरह से बनाना है। ये मेरी 3B पेंसिल है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट विंडो जो है वो ड्रॉ करनी है। अब आपका जो फाइनल और एंड इशू है, सॉरी एंड एरिया है, वो अब आप 9B के साथ डिटेल कर दें। नाइन बी तो ऑलमोस्ट हमारा हमेशा ही एंड पे रहेगा। ये मैं भी आपको बहुत इजी तरीके से शेडिंग करना सिखा रही हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग शेडिंग नहीं की है, बिकॉज़ अगर स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा बनाना, इसलिए अभी मैंने आप लोगों के लिहाज से बिकॉज़ अ बिगिनर मैंने उस लिहाज से ही आपको शेडिंग करके दिखाई है। Now we have to come at shadow. Shadow bottle के लिहाज से ही होगा, ठीक है। पहले आप उसको लाइट सा ड्रॉ कर लें, हर चीज़ का स्केच होता है। आप ये मत सोचेंगे कोई भी स्केच कोई भी चीज़ वो विदाउट स्केचिंग की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ का स्केच होता है। सॉरी मैं नंबर चेक कर रही थी कि कौन सी पेंसिल के साथ है, इसलिए मैं उसको ज़ोर से थोड़ा प्रेशर से यूज़ नहीं कर रही, तो वो मुझे 9B नहीं लग रही थी। आइडियल्स जो है वो उसका स्केच लें, सॉरी शेडो करें और उसको मर्ज कर लें।
आप टिश्यूज के साथ भी कर सकते हैं, फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, ईयरबड के साथ भी कर सकते हैं। शेडो हमेशा स्टार्ट से डार्क होगा और जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो लाइट होगा। मेरी मोस्टली पेंटिंग्स और काम जो है वो हाथों से ही होता है। जब तक मैं हाथ से उसे मर्ज या कोई काम ना कर लूँ तो मैं उस पेंटिंग से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसके इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके। अब बॉटल जब यहाँ पर है ना तो ये चीज़ भी थोड़ी सी डार्क होगी क्योंकि बॉटल के बिल्कुल इस साइड से वो आ रहा है, शेडो आ रहा है। इसको थोड़ा वाइट कर लें। चारकोल आपके जो सिग्नेचर हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये हमारी बॉटल का शेडिंग भी बेसिक शेडिंग है, प्रोफेशनल शेडिंग नहीं है। तो बेसिक जो शेडिंग है वो रेडी हो गया है। और अब मैं आपको दोबारा एक चीज़ दोबारा जो हर लेसन में कहती हूँ वो यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, उसे छोड़ें मत, उसे अपनी लाइंस को परफेक्ट करें। बिकॉज़ अगर आपकी लाइंस परफेक्ट होंगी तो आपका काम भी परफेक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इसको अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, मुझे अपना काम सेंड करते हैं। तो आपको कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, कोई चीज़ पूछनी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं और मुझसे जितनी हेल्प हो सकी मैं आपकी करूँगी। और हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो थोड़ा सा कलरफुल होगा, अबाउट पेंसिल शेडिंग होगा, तो उसे मिस कर मत कीजिएगा। और इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, अगर आपसे एक दफ़ा सही नहीं बनता है उसे दोबारा ट्राई करें। स्टार्ट में आप नॉर्मल कॉपी के ऊपर ट्राई कर सकते हैं और बाद में आप अपनी स्केचबुक पे ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।